कैदी जाल के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे हम सरकार को बनवा सकते हैं। हमारे पास ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो इख्तियारा दिए गए, हम उन इख्तियारा को बरोई कार्रवाई लिए उन चीज को लेके अपनी फैमिलीज को लेके जो हमारा एहतजाज हमारा जमहूरी हक है आईनी हक है इसको इस्तेमाल करके सड़कों पर बैठ के एहतजाज करेंगे, सरकार से मुतालबा करेंगे। जो सरकार ने जायज ठहराया है, जो सरकार ने तस्लीम किया है जिन डिमांड्स को, उन डिमांड्स को हम पूरा करने की सरकार से मांग करेंगे। मुख्तसर से ये बताइए कि क्या डिमांड है आपकी? देखिए, एक तो हमारा महाना तनखा अभी तक वागुजार नहीं किया गया। महाना तनखा की वागुजारी हम चाहते हैं। रिक्यूलराइजेशन, मिनिमम वेज एक्ट, जिन्होंने जमीन दी है उनके हक में एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं उनके अपराधी खाने में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 जो सरकार ने निकाला है 2021 में, उसको इन लेटरेंट से इम्प्लीमेंट किया जाए। एक पॉजिटिव पॉलिसी नहीं अपना रही है टुवर्ड्स एम्प्लॉय इश्यूज। अगर सरकार एक बार नहीं ही एक हाई पावर्ड कमेटी तश्कील देती ये देखने के लिए कि कहां कहां पे लिस्ट में ऐसी है इश्यूज में उसको एड्रेस करते। सरकार मुझे लगता है चाहती है कि मुलाजिम सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, इसलिए वो हर नए दिन नया ऑर्डर निकालती है। अब मुझे आज के हवाले से मैं बताना चाहता हूं, पिछले दो महीने से इनकी तनख्वाह ही नहीं है। तनख्वाह है 10,000, 12,000, 9,000। अगर ये तनख्वाह भी बंद होगी तो ये बेचारे घर कैसे चलाएंगे? अब इन्होंने एक और ऑर्डर निकाला जी हम 2010 के बाद निकालेंगे। भाई, जो 12 साल तक आपके खजाने से तनख्वाह लेता रहा, जो 12 साल तक आपका काम करता रहा, जो 12 साल तक आपकी सबॉर्डिनेशन में था, तब आप कहां थे? आप किसी और की गलती हमारे सर पे तो नहीं मान सकते? आज के बाद आप देखिए, आप शफाफत लाइए रिक्रूटमेंट में। हम 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, अवामी खदमत में हैं, अपनी जवानियां दी हैं हमने। आप लोगों ने कमेटियां बनाई जिसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, जिसमें मिनिस्टर लोग थे, उन्होंने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजनल के हक में रिकमेंडेशन दी, उन्होंने इनको रेगुलराइज करने के लिए SRO 520 बनाया, उन्होंने उनकी मिनिमम वेज एक्ट के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी इस सरकार ने बनाई। 11 रूपये का इजाफा हुआ, नो डाउट वो बहुत कम है, लेकिन इजाफा किस लिए हुआ? इन्हीं के लिए हुआ। तब ये लेस्टिमेट थे, आज ये इनलेस्टिमेट हो गए। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि भाई आप हमें मजबूर ना करें कि हम एलो आयाल समय सड़कों का रुख करें और अपनी जदोजहद को तेज करें। हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह सबसे पहले इन कैजुअल लेबर्स की, इन डेलीवेजर्स की तनख्वाह वागुजार की जाए और मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए और रेगुलराइजेशन। सरकार ने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम यहां पे रिक्रूटमेंट करेंगे जो पोस्ट वैकेंट है। आप देखें, पीएचई में 3,000-4,000 पोस्टें वैकेंट हैं, इनको वहां पे आप ये उन्हीं पोस्ट पे काम कर रहे हैं अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट, इनको रिक्रूट करें, इनके पास तजुर्बा भी है, सब कुछ है, आपको क्या जरूरत है नए सिरे से रिक्रूटमेंट करने की, जबकि आपके पास 60,000 लोग इस वक्त पिछले 15-20 साल से रेगुलराइजेशन के तरस रहे हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी गुजारिश करती है कि आप मुफामत का रास्ता अपनाएं और मुलाजमीन की जो लेजिटिमेट इश्यूज है उनको एड्रेस करें। Yeah.